करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में और दुनिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन जन जयंती मना रहे हैं। हम सबको मालूम है कि 6 जुलाई 1901 को महान राष्ट्रभक्त, महान देशभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्योतक और महान शिक्षाविद स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और एक महान शिक्षाविद का परिचय इस बात से मिलता है कि 33 वर्ष की आयु में ही वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। एट द एज ऑफ 33 ही बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन दोज डेज। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शिक्षा, प्रखर ज्ञान, उनकी विद्वता, सारी दुनिया उसका लोहा मानती थी। हम ये भी जानते हैं कि 1929 में वो पहली बार बंगाल की विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया और 1930 में वैचारिक मतभेद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तत्पश्चात वो फिर से शिक्षा के काम में लगे। 1940-41 में व 41-42 में वो फजलुल हक के कैबिनेट में वित्त मंत्री बंगाल के बने और उन्होंने बंगाल की बहुत सेवा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय की चर्चा में बंगाल सारे का सारा भारत से और पंजाब सारे का सारा भारत से निकलने की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने यह लड़ाई लड़ करके जो आज बंगाल का हम स्वरूप देख रहे हैं, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है कि उन्होंने उस समय इस विषय को रखा और फिर वो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया। साथ ही साथ वह नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के पहले सदस्य थे। वह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने, उन्होंने उद्योग की नीति रखी और साथ ही साथ उन्होंने खादी ग्रामोद्योग की भी स्थापना की। एक महान विचारक, एक महान शिक्षाविद ने बहुत कम समय में ही जो औद्योगिक नीति थी उसके माध्यम से भारत को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू जी से विचारों से अलग होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और भारतीय जनसंघ की स्थापना का कारण ये था कि नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट की नीति से वो दुखी भी थे, चिंतित भी थे, व्यथित भी थे और उन्होंने कहा कि नेहरू जी जो आप धारा 370 लगा रहे हैं ये देश के लिए घातक है। और उन्होंने नारा दिया एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इस बात को लेकर के 11 मई को वह जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के, उन दिनों परमिट पर जाना पड़ता था जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा, यह भारत की धरती है, यहां किसी के भी परमिट रहने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान के पक्ष को रखते, दो नहीं चलेगा इस बात को रखते हुए उन्होंने इसके विपक्ष में अपने आप का सत्याग्रह किया। 11 मई को उनको गिरफ्तारी हुई और श्रीनगर के जेल में 23 जून की प्रातः उनका निधन हुआ, रहस्यमय तरीके से निधन हुआ। उनकी माताजी ने एक लंबी चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस जाने, नेहरू जी जाने कि उन्होंने क्यों यह इंक्वायरी नहीं कराई और रहस्यमय तरीके से हम लोगों ने अपने प्रिय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को खो दिया। लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए सालों साल लगे रहे और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज जब हम उनको याद करते हैं उनकी जन्म जयंती पर, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता 23 मई से लेकर 6 जून के बीच में वृक्षारोपण, सामाजिक कार्य, अस्पतालों में जाना, गरीब लोगों की चिंता करना, झुग्गी झोपड़ियों की चिंता करना, उनके लोगों की चिंता करना और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाना, यह काम हम लोग लेते हैं। और आज के दिन करोड़ों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, मैं उनको साधुवाद भी देता हूं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यही है कि हम अपना जीवन इस देश के लिए, मजबूत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लगाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए हम जीवन अर्पित करें, यही मुझे कहना है। और हम सब लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लें, ऐसा मैं जरूर कहूंगा।